हे गाइस, वेलकम टू गिज़मोलिक। मैं सिद्धार्थ, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको Asus TUF Gaming A15 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका जो स्टार्टिंग कैटेगरी का मॉडल, दैट इज Ryzen 5 4600H, जिसके साथ आपको ग्राफिक्स ऑप्शन मिलता है 1650। ये लैपटॉप Amazon पे अराउंड 60,000 टू 63,000 में अवेलेबल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एक जो बजट कैटेगरी का न्यू सेगमेंट का जो लैपटॉप है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बाकी जो TUF Gaming A15 की जो ऑफरिंग है उसको मैं एक्सपेंसिव कंसिडर करता हूँ। वो 70,000 टू 75,000 टू 80,000 की कैटेगरी में, तो मैं उसको उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं करता हूँ। लेकिन ये लैपटॉप एक तरह से देखा जाए तो लिटिल बिट क्लोजर टू लोअर सेगमेंट, जो कि हम लोग नॉर्मली बाय करना चाहते हैं Asus TUF Gaming A15 के। तो उससे भी आप जान सकते हो कि मतलब उस वीडियो को आप डेफिनेटली चेक करना, तो आपको उसमें अगर इनके जो बाकी ऑफरिंग है, जो कि 70,000 to 80,000 की ऑफरिंग है, उसके बारे में जान सकते हो। और जो ये वीडियो है, दिस इज मोस्टली फोकस्ड ऑन 60,000 कैटेगरी, जो कि Asus TUF की अभी रिसेंटली इन्होंने इसको मार्केट में इसको लॉन्च कर दिया। इसके पहले इन्होंने इसको होल्ड ऑफ किया था, इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप गिज़्मोहोलिक पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो, ताकि आगे मैं कोई कंटेंट बनाता हूं तो आप लोग उसको एंजॉय कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो ये Asus TUF Gaming A15 लैपटॉप है, इसमें आपको Ryzen 5 4600H मिलता है, जो कि बीस्ट ऑफ अ प्रोसेसर है। ये 6 Core 12 Thread का प्रोसेसर, और इसमें जो आपकी बेस क्लॉक है, दैट इज 3 GHz, और बूस्ट क्लॉक इज 4 GHz, जो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इसमें जो आपको ग्राफिक्स ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज 1650, तो जो कि वन ऑफ द बजट कैटेगरी में, मतलब अगर देखा जाए तो NVIDIA का बजट ऑफरिंग यही है लैपटॉप में। इसके पहले काफी ऑप्शंस आते थे जो कि अब आउटडेटेड हो गए हैं। तो ट्यूरिंग सीरीज का सबसे स्टार्टिंग ऑप्शन यही है, ट्यूरिंग ग्राफिक्स सीरीज जो NVIDIA की है, अभी तक चल रही है, जो कि काफी अच्छी है, तो उसमें ये स्टार्टिंग ऑप्शन है। डेफिनेटली अगर मैं आपको अभी इस टाइम, इस 2020 में अगर कोई लैपटॉप बाय करने को कहूंगा, आपको मैं बोलूंगा कि 1650 ग्राफिक्स कार्ड का ऑप्शन आप डेफिनेटली करना कि उसमें मिल रहा है कि नहीं। देन प्राइस इज अ फैक्टर, कि वो तो यार इधर भी इंडियन मार्केट में ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है कि मतलब कुछ कहने का मतलब नहीं। कल मैं लैपटॉप देखता हूं तो यार वो 60,000 दिखाता है, कुछ दिन बाद देखता हूं तो 63,000 दिखाता है। ये प्राइस बढ़ाएंगे फिर सेल में उसको गिरा देंगे। तो चलिए मैं बाकी आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है इस लैपटॉप के, मैं सारे आपको बता देता हूं। तो जिसमें रैम मिलती है, दैट इज 8GB 32 MHz की रैम, जिसको आप एक्सपेंड करके इसमें 32GB तक की रैम इंस्टॉल कर सकते हो, और इसका अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस काफी इजी है। इसमें जो आपको स्टोरेज मिलता है, दैट इज 512 NVMe M.2 PCIe Gen 3 SSD। इसमें आपको PCIe Gen 4 की SSD का ऑप्शन नहीं अवेलेबल अभी, ये लैपटॉप में PCIe Gen 4 की SSD ऑप्शन को नहीं लाए हैं, जो कि अगर आप इनके PC काउंटर पार्ट पे आप देखोगे, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड इनके 3000 सीरीज के प्रोसेसर है Ryzen के, उसमें वो Gen 4 सपोर्ट करें, PCIe Gen 4 आ चुका है, लेकिन अभी लैपटॉप में Gen 3 पे ही चल रहा है काम। मे भी हो सकता है कि जो नेक्स्ट प्रोसेसर इन Ryzen के है उसमें आपको Gen 4 मिल जाए। नेक्स्ट हम लोग इसके इंटरफेस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 2 Type-A USB 3.1 Gen 2, 1 Type-C USB 3.2 Gen 2 मिलता है, जिसके थ्रू आप डिस्प्ले कनेक्ट भी कर सकते हो, 1.4 का डिस्प्ले सपोर्ट है उसमें। देन एक 2.0 USB पोर्ट, एक LAN सपोर्ट, जिसमें कि आपको LAN कनेक्ट करने के भी ऑप्शंस है, और आपको पावर कनेक्टिव और ऑडियो कॉम्बो जैक मिलता है। इसमें आपको कार्ड रीडर नहीं मिलता है, कार्ड रीडर को देखा जाए कि करंट ट्रेंड के हिसाब से रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि कैमरा के कार्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। जो पुराने SD कार्ड्स होते थे, कई कैमराज अब हायर स्पीड कार्ड यूज कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से ये लोग अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वाईफाई का ऑप्शन इसमें है, दैट इज Wi-Fi 802.11ac, जो कि Wi-Fi 5 है। Wi-Fi 6 का ऑप्शन अभी लैपटॉप में नहीं आया है, 2020 में भी आपको Wi-Fi 6 के ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं। हायर सेगमेंट के लैपटॉप्स में आप जाते हो देन आपको मिलता है Wi-Fi 6 के राउटर, भी बहुत एक्सपेंसिव है, सस्ता राउटर आपको 11 से 12 हज़ार का मिलेगा, जो कि अभी वर्थवाइल नहीं इन्वेस्टमेंट। मे बी इन फ्यूचर ये जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें ब्लूटूथ है, दैट इज Bluetooth 5.0, तो ये अपडेटेड वर्जन ऑफ ब्लूटूथ आपको मिल रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। पुराना मॉडल था Ryzen का इसी TUF सीरीज का, उसमें आपको ब्लूटूथ 4.2 मिलता था, लेकिन इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। तो ये आपको एक बेनिफिट है कि आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ मिलता है, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट डिवाइस है ब्लूटूथ का आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, साथ में DTS:X ऑडियो सपोर्ट मिलता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, जिसके थ्रू आप 7.1 की वर्चुअलाइजेशन कर सकते हो अपने हेडफोन के थ्रू। कुछ हद तक आपको सराउंड साउंड की फील आएगी, ये ओरिजिनल आप जो थिएटर में फील करते हो सराउंड साउंड उसके सिमिलर नहीं रहेगा, लेकिन अगर वर्चुअलाइज है तो कुछ बेटर रहेगा। तो चलिए ये अब CPU की बेंचमार्क स्कोर मैं आपको बताता हूं कि ये CPU का बेंचमार्क स्कोर क्या है। Cinebench R15 में जो इसका स्कोर है, दैट इज 177 और मल्टीकोर में 1440। वही अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके प्रीवियस जनरेशन से, तो मतलब काफी डिफरेंस आ गया यार। जो इनका जो Ryzen 3 3550H था, उसमें आपको सिंगल कोर में
जो स्कोर आता था सिनेमन 450 में, दैट इज 143 और मल्टीकोर में 742। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बफ्ड अप परफॉर्मेंस बूस्ट मिला है कंपेयर टू ओल्डर जनरेशन। तो गीकबेंच 5 में जो सिंगल कोर का स्कोर है दैट इज 1099 और मल्टीकोर में अराउंड 6400। तो यह है इसके बेंचमार्क स्कोर। जैसे कि देख सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्मिंग प्रोसेसर है, सीपीयू है ये प्रीवियस जनरेशन से जस्ट डबल द परफॉर्मेंस बूस्ट, और इंटेल के भी प्रोसेसर इसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। कुछ कहने की बात ही नहीं, आप समझ ही जाओगे इससे कि ये मशीन काफी बीस्ट ऑफ मशीन है अभी करंटली सीपीयू बेसिस पे। और इसमें जो वेबकैम दिया है दैट इज 720p रिजोल्यूशन, जो कि करंट स्टैंडर्ड और करंट टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यार मजाक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं जो 1650 ये एनवीडिया के ट्यूरिंग बेस्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और इसमें आपको 1024 यूनिफाइड पाइपलाइन मिलती है जो कि काफी ज्यादा है। इसकी जो क्लॉक स्पीड है दैट इज 1395 और इसकी जो बूस्ट स्पीड जो क्लॉक अगर आप इसको बूस्ट करते हो तो 1590, डिपेंड ऑन वेंडर्स ये बूस्ट भी करते हैं परफॉर्मेंस, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसको बूस्ट कर सकते हो। इसमें जो आपको रैम मिलती है दैट इज 4GB DDR6 VRAM और ये 12 नैनोमीटर बेस्ड पे है। तो चलिए अब इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि ये लैपटॉप में गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा कि देख सकते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, मतलब गेम अगर आप इसमें खेलना चाहते हो तो काफी अच्छा आपको FPS मिलता है। दैट इज अ गुड थिंग कि अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग पर्पस से बाय कर रहे हो तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट है। तो मैं इस लैपटॉप की बेस्ट ऑफरिंग जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, वहां से चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो Asus TUF गेमिंग A1516 वेरिएंट पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर आप गिज्मोहोलिक पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।